हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉल पीके में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने जो अपनी पिछली वीडियो थी इंग्लिश प्रैक्टिस सेट की डाली थी और जो बताया था कि वो यूजीसी नेट, यूपीटीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एलटी ग्रेड, सेक्स पीए के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। और उसमें जो है हम डिस्कस कर रहे थे शेक्सपियर और उससे जुड़े जो है वर्क जो है उससे रिलेटेड हम 100 से ज़्यादा प्रश्न आपके बीच में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा बड़े हैं, क्वोट्स हैं, ज़्यादातर जो है क्वोट्स हैं, तो पढ़ने में समय लगता है और वीडियो बड़ा होने की संभावना होती है। तो पहली वीडियो में हमने केवल 16% डिस्कस किए थे और आज भी जो है हम आपके साथ 20 से 22% डिस्कस करने जा रहे हैं। और बताया था कि मैंने सभी जो है रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये आप देख रहे हैं। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और 2001 से 2018 यानी जो हमारा एलटी ग्रेड परीक्षा हुई है उसमें भी जो शेक्सपियर के प्रश्न रिपीट हुए हैं उनको भी हमने इसमें रखा है। तो जैसा कि आप सब बता रहा था कि मैं प्रश्न नंबर 16 तक हम डिस्कस कर चुके थे, तो 17 से हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। और प्रश्न नंबर 17 होगा हमारा, द लाइन्स दिस इज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ दैम ऑल इज सेड बाई। तो ये पंक्तियाँ हैं फ्रेंड्स, ये पंक्तियाँ जो ली गई हैं ये एंटोनियो के द्वारा की गई हैं जूलियस सीजर में, और एक्ट थर्ड है और सीन फिफ्थ है। तो दोस्तों, इसकी जो है फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए कब की गई है ये आप हाईलाइट्स जो पंक्तियाँ हैं इनको देख सकते हैं, क्योंकि यदि मैं इनको पढ़ूंगा तो समय ज़्यादा हो जाएगा। तो आप कुछ सेकंड के लिए जितनी समय में आप पढ़ सकते हैं उतने समय के लिए वीडियो को पॉज किए और इन्हें पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 होगा, ओ जूलियस सीजर दाउ आर माइट येट दाई स्प्रिट वॉक्स अब्रॉड एंड टर्न्स ओवर स्वार्ड्स इन आर प्रॉपर एक्सटर्नल। तो फ्रेंड्स, दीज लाइन्स आर अटेंड बाई ब्रूटस टुवार्ड्स द एंड ऑफ जूलियस सीजर। तो ये भी हमारी कहाँ से ली गई, ये भी हमारी जूलियस सीजर से ही ली गई हैं। और ये जो है ब्रूटस के द्वारा जो है कही गई हैं, जब जूलियस सीजर की जो है मृत्यु हो जाती है तो जो उनकी वीरता का जो है बखान वो करता है, तो उस समय जो ये लाइन कही बोली गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 होगा, हु अटर्स दीज वर्ड्स फॉर शेक्सपियर, सोल ऑफ द एज। तो फ्रेंड्स, ई वी यहाँ गलत लग गया है, तो सोल ऑफ द एज, द अपलाउज, द डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज। तो ये कही गई है बेन जॉनसन के द्वारा। मैकबेथ सी द घोस्ट, जो आपने मैकबेथ प्ले था, अभी एलटीग्रेड एग्जाम हमारा फिनिश हुआ है, बहुत अच्छे से हमने उसमें प्रश्नों को पढ़ाया था उसमें। तो मैकबेथ जो है घोस्ट देखता है, वो किसका घोस्ट देखता है, तो फ्रेंड्स वो जो है बैंको का घोस्ट देखता है। अब बैंको का घोस्ट उसे क्यों दिखाई देता है, तो यहाँ पर एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई है, ये छोटी है तो इसलिए मैं इसको पढ़कर बता रहा हूँ कि बैंको वाज इनवाइटेड बाय मैकबेथ टू द रॉयल फीस्ट बट ही वाज मर्डर्ड एंड सो ही अपीयर्ड हिज घोस्ट एंड ऑक्यूपाइज मैकबेथ सीट। मैकबेथ जो है बैंको को दावत पर बुलाता है राजमहल में, लेकिन क्या करता है उसकी जो मर्डर्ड उसकी हत्या कर देता है, तो तभी जो है उसका भूत जो है बैंको उसको मैकबेथ को दिखाई देता है और वो मैकबेथ की जो सीट है, जो राजा की जो कुर्सी है, वो उस पर बैठा हुआ होता है। ही फाउंड इंग्लिश ए डायलैक्टिक एंड लेफ्ट इट ए लैंग्वेज, हु स्टेट्स दिस एंड अबाउट होम। कि ही फाउंड इंग्लिश एज ए डायलैक्टिक एंड लेफ्ट इट लैंग्वेज, हु स्टेट्स दिस एंड अबाउट होम। तो दिस इज मैथ्यू अर्नोल्ड अबाउट शेक्सपियर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 22, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ जूलियस सीजर दाउ आर माइटी येट, दाउ आर माइटी येट। तो फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन एंड व्हाट इज द फिगर्स ऑफ स्पीच। तो जूलियस सीजर का जिक्र हुआ है, तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि जूलियस सीजर से हमारी पंक्तियां ली गई हैं, और फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें है एपोस्ट्रोफ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 23, वन ऑफ द बेस्ट प्लेज, द टेम्पेस्ट इज द लास्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, ही वाज इंस्पायर्ड टू राइट इट बाय विच इंसिडेंट। जो शेक्सपियर के अच्छे प्ले हैं, सबसे अच्छे प्ले हैं, टेम्पेस्ट उनमें से एक है, और ये जो है शेक्सपियर के द्वारा जो है लिखा गया है,
तो ये कब लिखा गया था और इसकी जो इंस्पायर थी इसको लिखने की वो कहाँ से मिली थी उनको, तो ये मिली थी रिटर्न ऑफ सेलर्स ऑफ ए शिप दैट हैड डिसअपियर्ड। एक जो जहाजों का समूह था वो वापस लौट रहा था, तो वो जो है समुद्र में कहीं गायब हो जाता, तो उससे जो है इनको लिखने की प्रेरणा मिली है। क्वेश्चन नंबर 24 होगा, व्हाट इज द डेथ ईयर ऑफ शेक्सपियर। तो शेक्सपियर की जो मृत्यु कब हुई थी, तो शेक्सपियर की डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616 में हुई थी, और इट वॉज द ऑलमोस्ट हिज बर्थ एनिवर्सरी, क्योंकि उनका जन्म भी जो है हमने बताया था पीछे कि 1564 में 23 अप्रैल को ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 होगा, द टोटल सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर इज। तो जो टोटल सोनेट्स थी शेक्सपियर की फ्रेंड्स वो थी 154 एंड पब्लिश कलेक्टिवली इन 1609 बाई थॉमस थ्रोप। थॉमस थ्रोप के द्वारा जो है वो पब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 होगा, द लैंग्वेज यूज बाई शेक्सपियर इन हिज ड्रामाज फॉर द मोस्ट पार्ट इज। तो जो शेक्सपियर ने जो 20 भाषा का यूज़ किया है वो उन्होंने मोस्टली ब्लैंक वर्स का यूज़ किया है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27, शेक्सपियर सोनेट्स 1 to 26 जनरली शो ए री इनेक्शन ऑफ। तो जो एक री इनेक्शन है वो किसको दर्शाती है फ्रेंड्स, शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं तो वो दर्शाती है ड्रामेटिक इंटरचेंज बिटवीन लवर्स। जो लवर्स होते हैं उनके बीच में एक ड्रामेटिक इंटरचेंज को जो वो शो करती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 होगा, कवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर दियर डेथ, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ एट वंस दीज लाइन्स अपियरिंग। तो ये भी फ्रेंड्स हमारी लाइन जो है, दीज लाइन्स आर स्पोकन बाई जूलियस सीजर एक्ट सेकेंड और सीन थर्ड, और जो प्ले है हमारा वो जूलियस सीजर से ही ली गई है ये। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं, तो द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज एन एडेप्टेशन ऑफ ए लैटिन कॉमेडी विच इज दैट। तो दैट की स्पेलिंग थोड़ी मिस हो गई है, तो वो थी मिनो अकेमी। क्या है फ्रेंड्स, मिनो ओकेमी जो है वो एक एडेप्टेशन है जो कॉमेडी है लैटिन की, तो वहां से जो ये ली गई है। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम्स वीनस एंड एडोनिस एंड लुक्रेस टू। जो शेक्सपियर की पोएम है वीनस एंड एडोनिस एंड लुक्रेस, तो वो जो है उन्होंने किसको जो है डेडिकेट किए हैं, तो वो किए हैं अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को, जूलियस सीजर। फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन हिस्ट्रीज एंड ट्रेजडीज। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा, जूलियस सीजर के प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, सबसे ज़्यादा रिपीट अगर किसी प्ले के क्वेश्चन है तो जूलियस सीजर के हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आपको जूलियस सीजर को बहुत ध्यान से, जो स्टोरी प्ले है उसको कम से कम 2 से 3 बार बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, उसके करेक्टर्स को और उसकी स्टोरी को, बहुत ही अच्छी स्टोरी है उसकी। तो क्वेश्चन नंबर 32 होगा, विलियम शेक्सपियर वाज थर्ड चाइल्ड ऑफ। तो विलियम शेक्सपियर जो थे अपने माता पिता की तीसरी संतान थी, और उनके माता पिता का नाम, उनके पिता का नाम था जॉन शेक्सपियर, माता का नाम था मैरी आर्डन। वीनस एंड एडोनिस इज रिटन बाई, तो वीनस एंड एडोनिस जो है वो शेक्सपियर द्वारा लिखित है। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रेज द करेक्टर ऑफ मेलविलियो। तो जो मेलवोलियो नाम का करेक्टर है फ्रेंड्स वो जो है 12th Night जो प्ले है उसमें जो है अपियर होता है। 35 देखते हैं, तो 35 होगा हमारा, डार्क लेडी अपियर्स इन द सोनेट्स ऑफ। तो डार्क लेडी जो है फ्रेंड्स वो शेक्सपियर के सोनेट्स में जो होती हैं, और सभी जानते हैं कि डार्क लेडी को जो है 26 सोनेट्स जो है उन्होंने डेडिकेटेड किए हैं, कि जो 1 से 1 to 26 है फ्रेंड्स वो तो उन्होंने WH ऑर्डेन जो उनके फ्रेंड थे उनको जो है
डेडिकेटेड की हैं, और जो 26 पोएम है वो उन्होंने डार्क लेडी के लिए डेडिकेटेड किए हैं। और इससे रिलेटेड प्रश्न मैं आपको आगे बताऊंगा बहुत ही डिटेल्स में। तो क्वेश्चन नंबर 36 और आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा, वीनस एंड एडोनिस इज ए पोइटिक कंपोजिशन ऑफ ए पोइट हु वाज ड्रामाटिस्ट आल्सो। तो वीनस एंड तो फ्रेंड्स आपको देखना है कि प्रश्नों को किस प्रकार से घुमाकर कितने तरीके से पूछा गया लैंग्वेज को चेंज करने के बाद में। ये हमारा तीसरा प्रश्न है वीनस एंड एडोनिस से, और तीनों ही प्रश्नों की लैंग्वेज को केवल चेंज किया गया, प्रश्न लगभग सेम है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और बहुत ही ध्यान से अपने कंसंट्रेशन पावर को बनाए रखना है। तो विलियम शेक्सपियर, तो फ्रेंड्स वीडियो यदि कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, क्योंकि फ्रेंड तब शेयर करेंगे तभी जो हमारा मिशन जो है सक्सेसफुल होगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।